आज वोकेशनल टीचर्स ने मास डेपुटेशन और भूख हड़ताल की एक सांकेतिक पोल दी है अपनी मांगों को लेकर के। हम लगातार विभाग के रवैये से निराश हैं और हताश हैं। सबसे पहले तो हमारी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा 5% इंक्रीमेंट की घोषणा 2021 में की गई थी, अभी 1 जनवरी 2024 से लागू होना था, जिसमें विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है। हमारे डायरेक्टर साहब भी सहमत हैं और ऊपर के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री तक के भी अधिकारी सभी सहमत हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों ने उसमें रोड़ा डालने का बार बार काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा निराशा है। उसके साथ साथ हमारी डिप्लॉयमेंट जो 2 साल से बिल्कुल लटका रखी है और जिसकी फाइल लगातार 14 अप्रैल से चली हुई है, आप देख लीजिए 1 साल होने को जा रहा है लेकिन फिर भी उस फाइल की प्रोसेस पूरी नहीं हो रही है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे इन मांगों को पूरा किया जाए। इसके साथ साथ जो वेतन का जो हमारा मामला है, विभाग में कार्यरत वोकेशनल टीचर आज 54,000 रुपये ले रहा है और हम वोकेशनल टीचर्स आज 33,000 के करीब ले रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है 22 से 23,000 रुपये का, इससे हम अनुरोध करते हैं सरकार को कम करके दोनों वोकेशनल टीचर्स का वेतनमान समान किया जाए, क्योंकि दोनों एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही स्कूल में और एक ही योग्यता के आधार पर काम कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एक पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतनमान पक्के और कच्चे कर्मचारियों का बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों ही कर्मचारी कच्चे हैं फिर भी वेतनमान में 20 से 25,000 रुपये का अंतर है। और तीसरी हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के हम चिंतित हैं। लगातार 10 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन 3-3 महीने 6-6 महीने का एक्सटेंशन हमें मिल रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। और इसके साथ साथ छोटी छोटी मांगे हमारी हैं, अर्न लीव से लेकर के, मेडिकल लीव से लेकर के और कैशलेस मेडिकल पॉलिसी को लेकर के। आज हरियाणा सरकार सभी हरियाणा वासियों को मेडिकल सुविधा देने जा रही है लेकिन वही कर्मचारी अपने परिवार को लेकर सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि सभी वोकेशनल टीचर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधा भी दी जाए ताकि उनके परिवार भी सुरक्षित हो जाए, क्योंकि आज इस छोटी सी सैलरी में घर का चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर सरकार हमें सहयोग देगी तो बहुत हमारे लिए एक अच्छा सहयोग हम सरकार की तरफ से मांगेंगे। इन सभी मांगों को लेकर के हम आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर सरकार और विभाग इन मांगों पर संज्ञान नहीं लेता है तो बहुत जल्द वोकेशनल टीचर्स बहुत बड़े कॉल को करने जा रहा है। हम आपको बता देते कि हम विधानसभा घेराव की तैयारी में थे लेकिन हरियाणा के जो हालात को हम देखते हुए हमने इस चीज को आगे बढ़ाया है और विभाग को हम अल्टीमेट आज इस भूख हड़ताल के माध्यम से दे रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे।